स्टूडेंट्स आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का हिंदी ग्रामर चैप्टर 12 क्रिया का अभ्यास पुस्तिका एक्सरसाइज वर्क को हम कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का सही रूप रिक्त स्थानों में भरिए। बच्चों क्रिया का मतलब क्या होता है? जिससे कोई काम को होने का या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियां गीत डैस हैं, लड़कियां गीत गाती हैं। यहाँ ब्रैकेट में दिया है गाना, इससे हम क्रिया शब्द बनाए गाती। लड़कियां गीत गाती हैं। ख नंबर में, बच्चे स्कूल डैस हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग नंबर में, महिमा पत्र डैस चुकी है, महिमा पत्र लिख चुकी है। लिखना लिखा है ब्रैकेट में, यहाँ से हम लिखेंगे लिख। महिमा पत्र लिख चुकी है। और घ नंबर में है, सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बोलना है लेकिन यहाँ पर भी क्रियापद बोलना होगा तब ये वाक्य सुटेबल हो रहा है। सदा सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया व क्रिया के भेद का नाम लिखिए। तो बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। का नंबर, चापरासी घंटी बजाता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या होगा? बजाता है। बजाता है और क्रिया बजाता है और क्या बजाता है? घंटी बजाता है। तो घंटी हो गया कर्म, तो यहाँ पर कर्म है इसलिए ये होगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर में, सविता गीत सुनाती है। तो यहाँ पर सुनाती है क्रियापद है, सुनाती है क्रियापद है और यहाँ पर कर्म क्या है? गीत। सुनाती है, क्या सुनाती है? गीत, इसलिए ये सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट देखिए, ग नंबर, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है। यहाँ पर क्रिया होगा बजा रहा है। क्या बजा रहा है? हॉर्न बजा रहा है, इसलिए हॉर्न यहाँ पर कर्म हो रहा, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट देखिए, खरगोश तेज भागता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? तेज भागता है। और यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है इसलिए ये होगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अंगा नंबर देखिए, माही ने गरम दूध पिया। तो यहाँ पर क्रिया क्या होगा बच्चों? पिया। क्या पिया? दूध पिया। तो दूध यहाँ पर कर्म है इसलिए ये सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में, रिक्त स्थानों की
पूर्ति कीजिए। का नंबर, क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, का नंबर, विकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं। गा नंबर में, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, नहीं होता है। गा नंबर, एक से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। अंगा नंबर, डैश क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनाई जाती है, नाम धातु क्रिया। अब लास्ट फोर्थ नंबर देखिए, सही विकल्प पर शुद्ध का चिन्ह लगाइए। जो सही होगा उसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो सही है उसमें आपको टिक करना है। का नंबर, संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, मूल क्रिया, रंजक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इसका सही जवाब होगा एक नंबर, मूल क्रिया। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए, खा नंबर में, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया होती है। ऑप्शन है, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड नंबर, पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? जब मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई भी अन्य काम हो चुका होता है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई काम हो चुका होता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। लास्ट गा नंबर देखिए, राम ने कविता गाकर सुनाई। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, राम ने कविता गाकर सुनाई, तो मुख्य क्रिया है सुनाई और इसके आगे, मुख्य क्रिया के आगे ये काम हो गया है गाकर, इसलिए गाकर ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा और एक चैनल है, मुक्ता मिस क्लास 127, प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।